तो देखो क्या दिया है, देर आर 100 टर्न्स, तो कैपिटल एन की वैल्यू दी है, करंट दिया है 3.2 एम्पियर, और व्हाट इज अवेलेबल विथ अस इज रेडियस 10 सेंटीमीटर. मैग्नेटिक मोमेंट छोटा एम या म्यू क्या रहता है? अगर आपको याद होगा दिस इज आई इंटू ए, सही है. दिस इज बिकॉज ऑफ सिंगल टर्न. अगर टर्न ज्यादा है तो आप इसको लिखोगे एन आई ए. इज इट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आपको पता है बी कितनी रहती है, सिंगल टर्न के कारण रहती है म्यू नॉट आई अपॉन टू टाइम्स और इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न, तो ये रहेगी एन म्यू नॉट आई अपॉन टू आर. क्या सही है? चलो वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो. पहला पार्ट ए, मैग्नेटिक फील्ड एम इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स 100, करंट की वैल्यू 3.2, एरिया पाई आर स्क्वायर. सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगा 100 इंटू 3.2 इंटू 3.14, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज 10 टू द पावर माइनस 1, उसका स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 2, ये दोनों चले जाएंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 3.14, रफली 10 के आसपास. एम्पियर मीटर स्क्वायर. दूसरा पार्ट देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. एन नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 3.2 इज करंट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर. क्या सही है? इस 2 ने इसको कर दिया 1.6, 16 4 6.4, ओके ठीक है. तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर माइनस 1 इसे 10 टू द पावर माइनस 6 कर देगा. और अगर ऐसा है तो ये वैल्यू अभी आ जाएगी अपनी 2010 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दैट इज रफली 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला. क्या सही है? चलो आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखो अब क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है. लॉन्ग कंडक्टर इज कैरिंग करंट आई इन सर्क्यूलर लूप ऑफ रेडियस 3 आर. द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज
केस बी, अब बढ़िया है। नाउ इट कन्वर्टेड टू अ सर्कुलर लूप It is converted to a circular loop of radius छोटा r with small number n turns. ठीक है, find the magnetic field at center. आया कैसे सवाल ध्यान में? एक लॉन्ग वायर है जिसको पहले आपने सर्कल में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसे एन टर्न्स के छोटे सर्कुलर रूप में कन्वर्ट कर दिया, क्या सही है? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, यहां की मैग्नेटिक फील्ड बता दो, इसकी यहां की रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। कर पाएंगे क्या सॉल्व? तो देखो आसान है, पहला पार्ट बी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। दूसरे पार्ट बी डैश इज इक्वल टू, करंट तो चेंज नहीं होगा, म्यू नॉट की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, डिवाइडेड बाय टू टाइम्स छोटा आर, सिर्फ यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स एन है। अब इस R को अगर हम इस फॉर्म में कैपिटल R के फॉर्म में लिख सकते हैं तो अपना काम हो जाएगा। सो देखो एक चीज हमें ध्यान में आएगी, सर लेंथ इज कांस्टेंट, क्योंकि कंडक्टर वही है, क्या सही है? अरे हाँ या ना? यस सर, यस सर। कंडक्टर सेम होने के कारण लेंथ सेम रहेगी, इसका मतलब 2 pi into capital R equal to n times 2 pi into छोटा r, क्या सही है? So छोटे r की वैल्यू बन जाएगी r by n, पुट कर दो, ये रिलेशन हो जाएगा हमारा n equal to mu not i 2 times छोटा r will be capital R upon n, ये n ऊपर चला गया, n square mu not i upon 2r, but mu not i upon 2r की वैल्यू क्या है? बोलो सर, b। सो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा? n square into initial magnetic field, तो हमारा आंसर आ जाएगा नई मैग्नेटिक फील्ड b dash will be n square times b, clear? Yes sir. Simple question था, सिर्फ इतना ध्यान में आना चाहिए conductor से तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मेरे को मेनी अ टाइम्स में इन लोगों को ऐसे सवाल पूछने में, कंपैरेटिव सवाल पूछने में बहुत मजा आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारा? देखो थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर की तरफ जाते हैं।
in a circuit the current is to be measured. आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, इफ पार्ट ए इन गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस आरजी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर of 60 ohm. Next second, huh? In a circuit, the current to be measured, what is the value of current if ammeter shown is galvanometer? Okay, ammeter matlab ye directly galvanometer ko jod diya. Pahli case. Dusri case, additional to case one, yeah, additional to arrangement in A, a shunt of 0.02 ohm is connected across galvanometer. और तीसरा आइडियल गैल्वेनोमीटर. क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या हो रहा है? एक सर्किट है जहां पर आपको सर्किट दिया है और आपको करंट मेजर करना है, ठीक है? किस प्रकार का सर्किट है? तो ये आपको गिवन सर्किट है. थ्री ओम का रेजिस्टेंस है और इसको 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है और आपको ये करंट मेजर करना है. इसके लिए आपने 3 अरेंजमेंट यूज की, ए बी सी. पहले केस में आपका एमीटर मतलब एक्चुअली गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम है. दूसरे केस में आपने एमीटर के जगह पर गैल्वेनोमीटर प्लस शंट कॉम्बिनेशन करके यूज किया. और तीसरा आइडियल गैल्वेनोमीटर. एक्चुअली आइडियल गैल्वेनोमीटर की जगह आइडियल एमीटर लिखना चाहिए. आइडियल एमीटर हमारा कैसा होना चाहिए, कोई बता सकता है? जब हमने ये थ्योरी पढ़ी तब हमने कहा था कैसा होना चाहिए एमीटर हमारा, उसका रेजिस्टेंस कम या ज्यादा? सर वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस. आइडियल का, आइडियल का ना? यस सर. क्यों? क्योंकि देखो एमीटर अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं. सीरीज में अगर एमीटर कनेक्ट किया है तो उसके कारण हमारे सर्किट की अरेंजमेंट, सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए. सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर चेंज हुआ तो हमारा करंट बदल जाएगा. हम डिवाइस करंट मेजर करने के लिए लगा रहे हैं. करंट को बदला हुआ करंट मेजर करना है क्या हमें? नहीं, ठीक है? मतलब जैसे हम वेइंग मशीन पर हमारा वजन मेजर करने के लिए खड़ा हो रहे, वेइंग मशीन पर खड़े होने से हमारा वजन अगर बदल रहा है तो जो रीडिंग आएगा दैट विल नॉट बी एक्यूरेट रीडिंग, हमारा काम का रीडिंग. सो आइडियल एमीटर, इसका रेजिस्टेंस शुड बी
जीरो. बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एमीटर को, एमीटर मतलब आप गैल्वेनोमीटर को यूज करते हो, और गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा बिकॉज उसके इनसाइड कॉइल होता है. चलो देखो केस ए क्या आ जाएगी. अरे ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, दिस इज 3 ओहम एंड दिस इज 60 ओहम, और इसके अक्रॉस है 3 वोल्ट. बता दो करंट की वैल्यू, बता दो कितनी रहेगी. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए. वी की वैल्यू कितनी है हमारे, 3. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज, सही है ना, ये दोनों सीरीज में रहेंगे बिकॉज एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. दिस इज 1/21, रफली 0.5 एम्पियर आपका रीडिंग आ जाएगा, 0.05. क्या सही है? 1/20 जैसा रहेगा ना ये. क्या सही है क्या? Yes, sir. चलो बी कंडीशन में आपने क्या किया, आगे बढ़ते हैं. बी कंडीशन में अभी जो अरेंजमेंट है वो वैसे के वैसे ही है. सिर्फ ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक छोटा सा शंट रेजिस्टेंस आपने लगा दिया. कितना छोटा है ये, कितना दिया है, 0.02. अब देखो इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आप लिखोगे, दिस इज आर कॉम्बिनेशन. देखो ये ऐसा है ना, 1/RC = 1/RG + 1/RS. आप इसे RS + RG / RS × RG लिखोगे और इसका इनवर्स लोगे तो RC = RS × RG / RS + RG. क्या सही है? तो RS की वैल्यू 0.02, RG की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 60 + 0.02, ये आ जाएगा 0.12. सही है? सही है ना, डिवाइडेड बाय 60.02. ये वैल्यू लगभग, अब देखो ये रफली 60 के पास में है, 62 जा तो ये 0.02 के आसपास वैल्यू आ जाएगी. Nearly, not exactly. So, अब करंट आपका आने वाला है V/R सर्किट. सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 0.02 आ रही है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल बी, लगे तो मैं R टोटल निकालता हूं पहले. Three plus 0.02 ohm. Therefore, excuse me. Therefore, ये I की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताओ, V/R total. Which is equal to 3/3.02. This will roughly
0.99. आखिरी केस आसान है, आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा? आया क्या ध्यान में? Yes, sir. तो देखो, सिर्फ गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली यूज करेगा तो आपका करंट इतना चेंज हो जाएगा, मतलब जो 1 एम्पियर करंट सर्किट में है वो 0.05 एम्पियर आ गया। बहुत बड़ा डेविएशन है, 95% डेविएशन है। ठीक है, जितना एरर एक्सपेक्टेड है उतना एक्चुअल रीडिंग आ रहा है, कुछ काम का नहीं। इसलिए क्या किया, शंट जोड़ दिया। ठीक है, शंट जोड़ने के कारण रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया और आइडियल केस में जो रीडिंग है उसके बहुत करीब आप जा रहे हो, 1% का एरर आपका आया है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, बढ़िया, आगे बढ़े। A galvanometer of resistance G is to be shunted by a resistance of 8 ohm. ठीक है, टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज, the resistance to be connected in series with will be, options रहेंगे, अभी हमारे पास options नहीं है, हम directly value calculate करते हैं। देखो क्या है हमारे पास, एक galvanometer है, जहां से बुरा है circuit का current आया है, अभी हमने यहाँ पर galvanometer लगाया है इनिशियल कंडीशन। अब क्या किया आपने, अपने गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस शंट जोड़ दिया। ठीक है, अब हमारा कहना क्या है, अब इसके कारण ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट कम हो जाएगा, क्योंकि ये शंट की वैल्यू बहुत कम है, सब करंट शंट से जाएगा। तो अब हमें ये जो सर्किट है यहाँ का ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया, तो यहाँ पर करंट फिर से आ ही रखना है, तो यहाँ पर एडिशनल कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, ये R की वैल्यू बता दो। आया क्या ध्यान में?
एक बार फिर से देखो, एक सर्किट है जहां पर गैल्वेनोमीटर है और वहां पर करंट फ्लो हो रहा है आई। अब आपने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस छोटा सा जोड़ दिया। ऑब्वियसली ये ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर एंड शंट कॉम्बिनेशन का, ये कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा। हमारा कहना है सर्किट का करंट बढ़ना नहीं चाहिए, सिर्फ आई करंट ही रहना चाहिए। तो कौन सा आर रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ेंगे सो दैट करंट सेम रहेगा, क्या सही है? तो देखो पहले स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। क्या लिख रहा हूं मैं देखो, यार ये ध्यान में आया क्या? बोलो क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों केस में भी सेम है, इनिशियल एंड मॉडिफाइड केस में? अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट तभी सेम रहेगा जब रेजिस्टेंस सेम रहेगा। इसका मतलब ये जो जी का रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस इस पूरे कॉम्बिनेशन का रहना चाहिए। मतलब एस और जी का इक्विवेलेंट जो है वो प्लस आर उसके साथ है, ये जो रेजिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू जी। बट ये आर जी एस कितना आ रहा है, ये दोनों पैरेलल में है। दो जब पैरेलल में होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट आता है एस इंटू जी अपॉन एस प्लस जी प्लस आर। आपको आर की वैल्यू चाहिए तो आर की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये उधर जाकर माइनस में जाएंगे, जी माइनस एस जी अपॉन एस प्लस जी। ऊपर नीचे एस प्लस जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एस प्लस जी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो जी एस या एस जी प्लस जी स्क्वेयर माइनस एस जी, आंसर आ जाएगा जी स्क्वेयर अपॉन एस प्लस जी, क्या सही है? ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इतना रेजिस्टेंस अगर ये अगर आर की वैल्यू रहेगी तो करंट अनचेंज रहने वाला है,